जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन एक बार फिर से बात करेंगे MIA1 के बारे में। MIA1 के अंदर क्या Android Q का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा दोस्तों, उसी के बारे में बात करने वाले हैं अपन। और दोस्तों Android Q का अपडेट सबसे पहले कौन से फोन में मिलेगा और सबसे पहले कौन से फोन के अंदर ऑलरेडी Android Q आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ऑल ओवर मैं Android Q अपडेट और Android Q के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देसी टेक्नोलॉजी चैनल में। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आज अपन बात करने जा रहे हैं Android Q के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे ऑलरेडी कौन से फोन के अंदर आपको Android Q देखने को मिलेगा। तो दोस्तों गूगल की तरफ से एक लीक सामने आया है जिसमें बताया गया है कि गूगल का जो अपकमिंग फोन आने वाला है गूगल पिक्सल 4 दोस्तों, उसके अंदर आपको ऑलरेडी Android Q देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो OnePlus का OnePlus 7 और OnePlus 7T आने वाला है इसी साल 2019 के अंदर, उसके अंदर आपको Google का Android Q देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यही दोनों फोन हैं जिनके अंदर Android Q ऑलरेडी आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं कौन से फोन के अंदर सबसे पहले Android Q का अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वो भी है गूगल के, दोस्तों गूगल के पिक्सल 3 और गूगल पिक्सल 3 लाइट के अंदर आपको सबसे पहले Android Q का अपडेट देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो भी है फोन है उनके अंदर Android Q का अपडेट देखने को मिलेगा दोस्तों। और अब बात करते हैं MIA1 के अंदर क्या Android Q का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सबसे पहले बात बता देना चाहता हूं आपको दोस्तों कि MI ने जब MIA1 इंडिया में लॉन्च किया था तब एक बात बोली थी कि इस फोन के अंदर आपको ऑफिशियल एंड्रॉइड के अपडेट दो ही देखने को मिलेगा, जो कि अपने को पहला मिला था एंड्रॉइड ओरियो और दूसरा अपने को मिला था एंड्रॉइड पाई दिसंबर 2018 के अंदर। तो दोस्तों MI ने जैसा बोला था वैसा तो हो चुका है। उसके बाद अपने को 99% तो MIA1 के अंदर एंड्रॉइड क्यू का अपडेट नहीं मिलेगा और 1% कहीं चांस है जिससे क्या MIA1 के यूजर्स काफी हैं इंडिया में, तो आपको Android Q का अपडेट MI दे सकता है दोस्तों। अदरवाइज आप किसी भी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन के जरिए Android Q को अपडेट कर सकते हैं या फिर अपने फोन को रूट करके Android Q को अपडेट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था Android Q के बारे में दोस्तों। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।